आप पंजाब में प्रॉमिस करते हैं कि जल्द ही लोगों को इकट्ठा करेंगे और जल्द ही संघ के साथ जोड़ेंगे। और एमएस बेल सर कंसेप्ट के लिए आए सर, आज इंटरनेशनल है सर। जय जी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। भीम, नमो आज बुद्धाय। का आज के हालात को देखते हुए कुछ कहने को तो मन कर नहीं रहा। नहीं सर, कोई आप चिंता ना करें सर, कोई इश्यू नहीं है। जी सर आए, कटके जी, सर आपका स्वागत है। जय जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान टू सारे साथियों को। साथियों, मैंने जितनी देर से मैं काम कर रहा हूं, मैं हर बार इस चीज का एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं कि हम कहाँ पे अपनी ज्यादा फोकस लगा रहे हैं और कहाँ से हम फेल हो रहे हैं। तो मैंने विदेश में ये देखा है, क्योंकि आज एनआरआई डे का है, तो विदेश में दो चीजों पे हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया और बहुत ज्यादा अपनी फोकस भी रखी। वो थी, एक तो धर्म पे हमने बहुत काम किया कि भाई हर हर तरह के धर्म की जो फंक्शनें होती रही उसके भी ऊपर हम काफी योगदान भी डालते रहे और उसके ऊपर जो जोर शोर से काम भी करते रहे। और तो दूसरा था पॉलिटिक्स। मैं पंजाब से हूँ, पंजाब के लोगों ने पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया। लेकिन आज मैं जब देखता हूँ कि जितना हमें पॉलिटिक्स में कामयाब होना चाहिए था, जितना हमें सामाजिक संघर्ष में कामयाब हो जाना चाहिए था, जितना हमें धम्म के रास्ते पे आगे निकल जाना चाहिए था, इन सभी चीजों में हम बड़ी बुरी तरह फेल हो गए हैं। या फेल ना कहूँ तो हम फेल होने के आसपास घूम रहे हैं। तो अब हमें देखना यह है कि भाई, कि जो कुछ हमें बाबा साहब ने समझाया, जो जो कुछ हमें भगवान बुद्ध ने समझाया, क्या हम इसलिए फेल हो गए हैं, जहाँ फेल होने के कगार पे आ गए हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत दूर चले गए हैं। इस चीज को सोचते सोचते मैं हर बार ये सोचता हूँ कि भाई, ये सामने जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें शिक्षा दी थी, उससे हम बहुत दूर निकल गए। जितना हमें बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए था, जितना बाबा साहब अम्बेडकर को समझना चाहिए था और अपनाना चाहिए था, उन सब में भी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम आज अपने आप को ये कह सकें कि भाई, हमने अपनी ड्यूटी पूरी करी, हमने अपना जो काम था वो अपनी तरफ से निभाया। बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास में, उनके लिटरेचर में पढ़ते पढ़ते दो प्रोफेसर की कोटेशंस हैं। एक है प्रोफेसर ट्वाइनबी, उन्होंने सारी दुनिया का जब इतिहास लिखा तो उसमें एक कोटेशन है जो बाबा साहब ने अपने लिटरेचर में भी कोट करी है। आई कोट हिज कोटेशन फर्स्ट, मैं उसका फिर ट्रांसलेटर में हिंदी कर दूंगा कि इन ए कंट्री लाइक इंडिया, सारे दुनिया का इतिहास लिखते हुए वो लिख रहे हैं कि इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर पावर, वेल्थ एंड दी अपॉर्चुनिटीज, तीन चीजें हैं, पावर, वेल्थ एंड दी अपॉर्चुनिटीज इज द मोनोपोली ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी एंड स्कैंडुलसली ओवर प्रिविलेज्ड, वेयर द सोशल रेवोल्यूशन मस्ट प्रोसीड ओवर द पोलिटिकल रेवोल्यूशन, के सोशल रेवोल्यूशन पहले आना चाहिए, उसके बाद में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होना चाहिए। और हमने सारा जोर ही अपना पॉलिटिकल रेवोल्यूशन पे लगा दिया कि भाई, हम पॉलिटिक्स में काम जो होंगे, पॉलिटिक्स के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके हाथ में एक ऐसी चाबी है, जहां भी लगाएंगे हर ताला को लग जाएगी, हर हमारी समस्या का हल निकल आएगा। लेकिन आज मैं देखता हूं कि भाई, खास करके सारे यूपी और पंजाब में दो दो स्टेट्स के बीच में बहुत काम किया, और मैं देख रहा हूं कि दोनों के बीच में हम इतनी बुरी तरह पिट गए हैं। और उसका डायरेक्ट, अगर मैं रिजल्ट समझूं, तो उसका डायरेक्ट कारण है कि हमने बाबा साहब के सोच विचार के मुताबिक, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते के ऊपर ना चलकर
ये सारा कुछ हमारे आंखों के सामने होते दिखाई दिया। इसमें कोई शक नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी हमें बहुजन बनाना चाहते थे, हमें इकट्ठा करके एक बहुत बड़े संघ में लाना चाहते थे। उनको इतना समय नहीं मिला बुद्ध धर्म के आने के बाद कि वो हमें सारा कुछ बता सके, लेकिन उन्होंने एक और कही थी, एक प्रोफेसर मेंजी की है कोटेशन कि भाई यू कैन किल ए मैन बट यू कांट किल हिज आइडियाज। तो उसको भी काउंटर करते हुए बाबा साहब ने कहा था नो, कि यू कैन एज यू कैन किल ए मैन यू कैन किल हिज आइडियाज एज वेल। कि अगर एक प्लांट को हम ऊर्जा पानी और उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो प्लांट अपने आप में मर जाएगा, ऐसे ही अगर आदमी अपने विचारों को अपडेट ना करता रहे, अगर इंसान अपने आप को रेगुलर उसका प्रचार प्रसार अपने विचारों का ना करता रहे तो वो विचार जो है वो भी एक दिन मर जाते हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसका डायरेक्ट ये रिजल्ट है कि हमने अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे, अपने महापुरुषों के बताए हुए कामों को कम किया है। और सबसे ज्यादा तो मुझे यही, मैं बार बार कहता हूं कि भाई जो कुछ भी बाबा साहब ने हमें लेके दिया, जो कुछ भी बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें समझाया, जो कुछ भी उसके वरदान से उनकी कुर्बानियों से हमें मिला, उसका आनंद तो हमने खूब उठाया, देश में भी उठाया और विदेशों में भी उठाया। और उसकी वजह से हम पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी पोस्टों को गए, हमें पैसा मिला, वोट का हक मिला, लेकिन इस अधिकार को हमने ये नहीं समझा कि वोट का हक किस लिए दिया, एजुकेशन का हक हमें किस लिए दिया था। और बार बार इसके बाबा साहब के कहने के भाई हम बहुत, मैं जुमले सुनता हूँ देश में भी विदेश में भी कि एजुकेट ऑर्गेनाइज एजिटेट, ये तीन शब्द इतने बोले जाते हैं, बार बार बोले जाते हैं, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि जो एजुकेशन हमने ली क्या वही एजुकेशन बाबा साहब कहते थे कि वही एजुकेशन आपको लेनी है, या इससे ज्यादा भी कहते थे। मैं अपने आप में समझता हूँ कि बाबा साहब ने ये जब कहा था कि भाई एजुकेट, तो उनका मकसद ये था कि आप अपने आपको एजुकेशन लो, उस एजुकेशन के रास्ते से आप अपना इतिहास जानो, ताकि आपको पता चले कि आप लोगों के साथ इतिहास में क्या क्या हुआ, आपके पुरखों के साथ क्या हुआ और कहां कहां से हम गलत हो गए, कहां कहां से हमने डिफीट, कैसे हम डिफीटेड हो गए। तो उन गलतियों को अगर दूर करके हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपना रास्ता अच्छा बना सकेंगे। लेकिन हमने जो डॉक्टर बने, उन्होंने डॉक्टर्स की तो डिग्री ले ली, लेकिन उनको बैक पे बैक टू सोसाइटी क्या करना था वो इतना नहीं हो पाया। मैं ये नहीं कहता कि सभी को, प्लीज मुझे इस पे दोष नहीं दीजिए कि सभी ने निकला, कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन ये काम कुछ लोगों का नहीं था, ये सारे लोगों का था। अगर सारे लोग मिलके भारत के कोने कोने में अपने महापुरुषों की विचारधारा पहुंचाते तो ये काम बहुत आसान हो जाता, आज हमारी ये दशा नहीं होती। दूसरा था कि ऑर्गेनाइज, हमने ऑर्गेनाइज करने में भी, मैं देख रहा हूँ देश में भी देख रहा हूँ विदेश में भी देख रहा हूँ कि इतने एक कास्ट में भी दो दो तीन तीन हमारे ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, संगठन बने हुए हैं, और जो अपनी अपनी डफली अपने अपने हिसाब से बजाते हैं। लेकिन जिस चीज को बाबा साहब ने, दो जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स थी, एक थी कास्ट की और दूसरी थी हमें इकट्ठे ना होने की। कास्ट की आज भी हम विदेश में भी आकर, मुझे दुख से कहना पड़ता है कि विदेश में आकर भी हम कास्ट को ऐसे अपने छाती से लगा के घूम रहे हैं जैसे ये बहुत बड़ा एक तगमा हमें मिला हुआ है, बहुत बड़ा एक गौरव का एक जो प्रश्न है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि विदेश में हम जहां आए पैसा कमाने के लिए, जितने मैं जहां यानी कि पैसा कमाने के लिए आया और एजुकेशन के लिए आया, और ये दोनों चीजें मुझे किसी जाति के बलबूते पे नहीं मिली, ये मुझे सिर्फ
अपने अंदर जो मैंने ऊर्जा पैदा करी, जो बाबा साहब को पढ़ के जो मेरे अंदर एक परिवर्तन आया, जहाँ भगवान बुद्ध को पढ़ के जो मुझे अपनी शक्ति का अनुभव हुआ, उसके बलबूते पे जो भी मुझे रास्ता मिला, जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने वो अपॉर्चुनिटी अवेल करी और मुझे आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी। मैं पहले पहले मंदिरों में जाता था, मैंने मंदिरों में पैसा भी दिया, बनवाए भी। मैं ये सोच कर मंदिर में जाता था कि अगर ये मंदिर होंगे, जब मेरे लोग इकट्ठे होंगे तो मैं मंदिर के बीच में जाकर अपने लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ा पाऊंगा, समझा पाऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मंदिर हमने बनाए विदेशों में भी, उसके उसमें भी आज तक हम बाबा साहब अम्बेडकर को प्रवेश नहीं कर पाए। और उनको ये फख्र है कि हमने बाबा साहब को बाहर रखा हुआ है, कितने दुख की बात है। इसके साथ साथ मुझे दूसरी ये भी है कि भाई जो एक समाज बनना था, जो बाबा साहब ने हमें बुद्ध धर्म दिया था, उसकी तरफ हम अगर मूव करते तो विदेश में तो हम बहुत जल्दी एक नया समाज की रचना कर सकते थे। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था तो हम अंग्रेज लोगों के घरों में रहते थे और किसी के पास बर्तन तो इतने होते नहीं थे। आप 5-6 स्टूडेंट जब हम इकट्ठे होते थे तो एक ही जगह बनाते थे, एक ही जगह खाते थे, कोई किसी का धर्म नहीं पूछता था, कोई किसी की जाति नहीं पूछता था। क्यों? कि हर इंसान को सर्वाइव करना था, हर बच्चे को सर्वाइव करना था कि इस ड्यूरिंग दिस जो इनिशियल पीरियड था कि उसे हम कैसे। लेकिन जैसे जैसे ही हम थोड़े से ही ताकत में आए, वैसे वैसे ही इंडिया से जो प्रीस्ट है वो हमारे पीछे आ गया कि ये जो जागृति इन लोगों के बीच में आ रही है, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, इंटरनेशनली बाबा साहब के नाम के साथ जुड़ रहे हैं, इनको कैसे फिर दोबारा अलग अलग किया जाए। और वो अपने इस मिशन में कामयाब हो गए और हम अपने मिशन में फेल हो गए। तो इसमें मुझे बहुत दुख भी होता है, लेकिन अब हम पॉलिटिकली फेल हो गए, हम समाज एक नहीं बना सके, हम धर्म का एक नहीं ले सके। ये सारे जो हमें बाबा साहब ने वरदान दिए थे, अगर हम उनमें सभी से फेल हो गए तो अब हमारे सामने जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एक ही रास्ता है कि अगर हम इकट्ठे नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हम सामाजिक तौर पे भी पिछड़ गए, हम राजनीतिक तौर पे भी पिछड़ गए और हम आर्थिक तौर पे भी पिछड़ गए, सब कुछ हमारा लुट गया, तो इसको अब रीगेन कैसे करना है? मुझे अभी एक ही रास्ता दिखाई देता है कि भाई अगर इसको रीगेन करना है तो हमें फिर से दोबारा ग्रुप करना पड़ेगा। हमें खास करके एनआरआईज लोगों को मैं चाहूंगा कि हमें एक बहुत बड़ी मूवमेंट है जहां ब्लैक लोग्स की, और बहुत बड़ी मूवमेंट है एक यूएश लोगों की, इनमें से हमें सीखना चाहिए कि उन लोगों ने कैसे अपने आप को रीग्रुप किया, कैसे कैसे अपने लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने अपनी ताकत बना ली। आज एक काले आदमी के ऊपर अगर जुल्म होता है तो कितने यूरोप के, सारी दुनिया के देशों में उनकी मूवमेंट है और वो कैसे एकदम अलर्ट हो जाते हैं, एकदम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और हमारे ऊपर इतने अत्याचार होते हैं, भारत में इतने अत्याचार होते हैं, ना कोई एनआरआई से उसके खिलाफ खड़ा होता है और ना कोई देश में खड़ा होता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि हमें जो अत्याचार है, जो जुल्म है, उसको सहने की एक आदत सी पड़ गई है। बाबा साहब कहते थे कि भाई जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। तो अगर हम इस बात को माने तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम गुनाह सहन कर रहे हैं आज, तो हम ज्यादा गुनाहगार हैं उनके जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो इसलिए हम बहुजन हैं, हम बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन बहुजन होने का हमारे सामने कोई सबूत नहीं है। मैं अपनी पोएट्री में हमेशा कहता हूं और आज भी मैं आपको सुनाता हूं कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा, और आपके अंदर जो जिंदा आदमी वो मर जाएगा। सिसकियां भरते रहोगे सारी उम्र जो ही, आपको मिलने ना कभी कोई आया ना कोई आएगा। इस चीज से हमें इस नसीहत लेनी चाहिए कि भाई हमारे पुरखों ने ना जाने कितनी
यात्राएं करी होंगी, कितनी मन्नतें मांगी होगी, क्या होगा, उनको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना कोई हमें हमारे ऊपर कंडीशन लगाए हुए, यात्रा किए हुए, बिना कोई मंदिर में घुसाए हुए, एक ही बाबा साहब का कथन था जो ब्रिटिश अपनी इंडियन पार्लियामेंट के बाहर खड़ा उनका भूत आदेश दे रहा है कि तुम मंदिर में जाना या ना जाना कोई अंतर नहीं, मस्जिद में जाना ना जाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम चर्च में जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज आपको करनी है कि ये जो सत्ता का मंदिर है, ये जो जहां आपके भविष्य के, आपके बच्चों के भविष्य के सारे डिसीजन होते हैं, इस मंदिर को आपको कैप्चर करना है। अगर हमने वो सत्ता का मंदिर कैप्चर कर लिया तो हमारी सारी समस्याओं का अपने आप सॉल्यूशन निकल आएगा, लेकिन हमने उस तरफ कम ध्यान दिया। और मैं अपनी बात को बहुत लंबी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि सुधीर राज जी आए और वो इसको फाइनलाइज करें, बिकॉज उनके जो बात करने का और उनको लोकल जो समस्याओं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनका जकड़ है। तो मैं एक अपनी बात कहूँगा जो आज की पॉलिटिक्स में बहुत मैं देर से कहता आ रहा हूँ कि हम शोर तो बहुत मचाते हैं कि हम बहुजन हैं, हम 85% आए हैं, मूल निवासी हैं, जब पीछे मुड़ को देखो तो कुछ भी नज़र नहीं आता। खास करके आज के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का। वो ये है कि अगर बहुजन हो तो बहुजनों जैसी बात करो, अगर बहुजन हो तो बहुजनों जैसे काम करो, खाली जयकारे लगाने से कुछ नहीं होगा, हाथों में हाथ लो साथ साथ चलो, अकेले अकेले चलने से कुछ नहीं होगा, दिए से दिया जलाओ रास्ते रोशन करो, मंदिरों में दिया जलाने से कुछ नहीं होगा, सबब ढूंढो, सबब उर्दू का शब्द है कारण, सबब ढूंढो अपने हार जाने का, अरे दूसरों की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप सब लोगों ने मुझे समय दिया, जय भीम, नमो बुद्धा। मैं सिर्फ एक दो मिनट में ही बात करूंगा, ज्यादा नहीं, सुधीर जी के इंतजार है। हम यहाँ बाहर मुल्कों में रह रहे हैं और मुझे भी तकरीबन काफी साल हो गए हैं, 25 साल से ऊपर हो गए यहाँ पर रहते, तो बहुत बुरी तरह से ये पॉलिटिक्स में हार हुई है। तो ये बातें जो मैं शुरू से ही, मैं इतना इनको क्लोजली फॉलो नहीं करता हूँ पॉलिटिक्स को, मेरा जो मकसद है जिंदगी का, मैंने ये रखा है कि बाबा साहब को फॉलो करना है, उनके मिशन को, प्लस धम्मा को, बुद्ध धम्मा, वो धम के बारे में काम करना है। तो वो मैं शुरू से ही इन्वॉल्व हूँ, मैं इस राजनीति में इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, कभी नहीं आए, थोड़ा इधर उधर बात पता चलती रहती है, क्योंकि मैंने ये सोच रखा है कि ये जो काम है एक अलग ग्रुप जो इंटरेस्टेड है हमारे बीच में से वो करें। तो आज जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरा इतना उसमें डीप नॉलेज नहीं है और मेरी फॉलोअप नहीं है। तो मैं ये जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो हम बाहर बैठे हैं यहाँ पर, जितने भी हम यहाँ पर बैठे हैं जब से आए हैं, बाबा साहेब का मिशन जो है वो कम से कम 1000 टाइम नहीं तो वो 500 टाइम जरूर पहले से बड़ा है। बाहरले मुल्कों में जो बाबा साहब की बात हो रही है, बाबा साहब के संगठन बन रहे हैं, बाबा साहब की मूवमेंट की बात हो रही है, जब मैं आया था तब कितनी हो रही थी और अब कितनी हो रही है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। और उसमें इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो हो रहा है वो आप लोगों को मुझसे ज्यादा मालूम है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि बहुत फर्क है, वहां पर भी लोगों को जो नॉलेज है बाबा साहब का पहले से बहुत ज्यादा है। आप जैसे लोगों ने संगठन बनाकर, आप जैसे लोगों ने गांव गांव जाकर ग्राउंड लेवल पर जो बाबा साहब का काम किया है, उसके साथ लोगों में जो चेतना है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ी है। और अगर धम की बात करें तो धम की तो वो भी बात ऐसी है कि यहाँ बाहर के मुल्कों में, बाहर के देशों में जितना भी काम हुआ है वो धम का भी काम बहुत ज्यादा हुआ है। इसके बारे में पहले हमें यहाँ पता तक नहीं था, जब आए थे तो सिर्फ बाबा साहब की एक जयंती मनाई जाया करती थी और बुद्ध धर्म की जयंती, भगवान बुद्ध की, वो भी नहीं मनाई जाती थी।
ये मैं खुद आपका आपके साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और मुश्किल से एक या दो देश होंगे जहां पर कोई संगठन था जो जो भगवान बुद्ध की सेलिब्रेशन करते थे। तो आजकल जो बुद्ध जयंती वो है वो ऑलमोस्ट एक कंट्री में अलग अलग शहरों में भी मनाई जाती है, पहले तो सारे देश में एक जगह मानती थी, और यहाँ पर हमारे जो है हम टोरंटो में हैं, वैंकूवर में हैं, वहां पर इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी है, यहाँ पर इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी है, साइज का मतलब नहीं, इतनी बड़ी नहीं है, मगर फिर भी वो बुद्ध जयंती जो दोनों जगह मनाई जाती है। तो ये ऐसे ही दूसरे कंट्रीज में भी, तो बात करने का ये मतलब है कि हम जब से चले हैं, मैं जब से यहाँ इन्वॉल्व हुआ हूँ मिशन में, बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की है दोनों साइडों पे, बाबा साहब के मिशन में और धम के काम में। तो उसका लिटरेचर धम का कितना बड़ा है, उसकी बातचीत कितनी बड़ी है, सेरेमनीज कितनी बड़ी है, ये हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और अगर ये देखा जाए तो पॉलिटिक्स में भी उन्होंने प्रचार ज्यादा किया हुआ उस ग्रुप में, कामयाबी नहीं मिली अलग बात है, जो भी है कुछ वो उनको देख बैठ कर सोचने की बात है आगे चलने के लिए। मगर मैं ये आप लोगों को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, या ये कहना नहीं चाहता कि कुछ नहीं हो रहा, बाबा साहब का भी बहुत बढ़कर प्रचार हो रहा है, मूवमेंट चल रही है यहाँ पर, और उसके साथ साथ धम का भी हो रहा है जिसमें मैं खुद पर्सनली इन्वॉल्व हूँ। तो इसलिए आप इतना ये मत लीजिए कि काम हमारे जो पहले अब तक किए हैं वो कम हो रहे हैं, काम नहीं हमारे बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ ये श्रवण संघ जो है, ऐसा जो कॉन्सेप्ट है हमें जुड़ने का, आगे जुड़कर चलने का, ये भी हमें बहुत ज्यादा उस कामयाबी में हिस्सा डालेगा, और हमारी जो कामयाबी है वो और बढ़ेगी ऐसे कॉन्सेप्ट शुरू होने के साथ। धन्यवाद। थैंक यू प्रयास सर जी। अपने साथ रवि महेश साहब भी जुड़े हुए हैं, सर भी जुड़े हैं, चलो 5 मिनट आ जाए, उनको भी ले लीजिए, शायद वो पंजाब की मीटिंग के लिए। रवि महेश सर, रवि अम्बेडकर सर, सभी पीपल में जो लोग आए हैं तो उसका स्वागत है, और हम चाहते हैं कि भी ऐसे बढ़ता जाए आगे चल, हम लोग बढ़े, NRI भी आगे बढ़े, और देश विदेश में भी जो लोग बैठे हैं सभी संघ के साथ जुड़े, तो बात तो आगे बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि, पर जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए थी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे बाहर भी आ रहे हैं और देश में भी है, पर उतनी तेजी से बात आगे नहीं बढ़ रही, और बढ़ेगी, हम लोग उसके साथ हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको मत तेजी से बढ़ाया जाए। तो हमारा पंजाब से हम लोग रिलेटेड हैं और पंजाब में हम लोग काम करना चाहते थे, अभी काफी काम पंजाब में चल रहा था, कल ही मैं पढ़ रहा था जो नई सरकार बनने जा रही है कि सभी ऑफिस में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो एंड भगत सिंह की फोटो ही लगाई जाएगी और दूसरी फोटो नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे गांधी नेहरू वगैरह की पहले फोटो लगती थी, अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सभी ऑफिस में फोटो लगेगी, तो लोग जाएंगे तो रिस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे, जिसको नहीं मालूम था और नहीं मालूम होता था तो उसको मालूम होगा। तो चेंज तो हो रही है, इसमें शक नहीं है, तो हमारे लोगों को भी इस इलेक्शन से काफी लर्न हुआ है कि वे हम लोग संघ में ही जुड़ेंगे, संघ में ही जुड़कर काम करेंगे, तभी काम आगे बढ़ जाएगा। कम से कम मेरी 50 लोगों के साथ बात हुई है पंजाब में, तो वो भी फील करते कि हमें एक साथ जोड़ना चाहिए, अभी शायद उसको मालूम नहीं कि कैसे जोड़ना है और कैसे हमें जोड़ने का प्रयास करना है। तो आपका जो सभी का संघ है, संघ के साथ ही हम लोग जोड़ पाएंगे, तो उन लोगों को बोला कि हम लोग बहुत तेजी में और पंजाब में खास करके विद इन 6 मंथ में हम लोग काफी तादाद में लोग इकट्ठे हो सकते हैं, और हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग मीटिंग्स करेंगे और कैसे उन लोगों के साथ पहुंचेंगे, और पंजाब इतना बड़ा तो नहीं है, हमें मालूम है कि 3 से 6 मंथ में हम लोग जल्द ही कवर कर लेंगे और जल्द ही उन लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, और वो लोग समझेंगे भी, ऐसी बात नहीं है, वो लोग अब समझते हैं, जो अम्बेडकर है बुद्धिस्ट है और रविदास जी भी है, तो सभी समझते हैं कि हमें एक साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अभी टाइम है, अभी जो इलेक्शन के बाद उन लोगों ने देखा कि कुछ EVM का भी फर्क पड़ा कि EVM भी रिसेट की गई है, और कुछ जगह पर डेमोक्रेटिक वे के साथ इलेक्शन भी नहीं हुआ, जो हमारे लोग इलेक्शन में खड़े थे वो भी हार गए, थे काफी लोगों को अभी मालूम होने लगा कि हमें संघ के साथ जोड़ना है, हम एक साथ नहीं जुड़ेंगे तो ऐसे
खत्म हो जाएंगे, तो अब फील करते हैं अभी हमें उसके ऊपर काम करने का कि अभी शिविर सर्दी आने वाली, तो मैं सोचता हूँ कि ज्यादा टाइम ना लूँ कि हम लोग पंजाब में प्रॉमिस करते हैं कि जल्द ही लोगों को इकट्ठा करेंगे और जल्द ही संघ के साथ जोड़ेंगे और जोड़ने का प्रयास करेंगे। सभी को जय भीम, नव बधाई, जय श्री राम। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Single